अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं तारा हुसैन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एलोवेरा यानी कि कुवारकंदल के फ़ायदे। ये एक कुदरती जड़ी बूटी है जिसके बेपना फ़ायदे हैं। अगर हम बात करें एलोवेरा के हेल्थ बेनिफिट्स पे, तो वो इतने ज़्यादा हैं कि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाए। इसलिए आज की वीडियो में मैं सिर्फ आपको एलोवेरा के स्किन और हेयर बेनिफिट्स के बारे में बताऊँगी और इसके इस्तेमाल का तरीका क्या है हम इस पर बात करेंगे। एलोवेरा हमारी बालों की हेल्थ के लिए, बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं, बारीक हैं और बहुत ज़्यादा गिरते हैं, तो आपने क्या करना है कि आधा कप फ्रेश एलोवेरा या फिर उसके पीस ले लें और एक कप कोकोनट ऑयल के अंदर डाल के उसको अच्छे से पका लेना है। जब ठंडा हो जाए तो उसमें आपने एक विटामिन ई का कैप्सूल डाल के इसको आपने अपने बालों की रूट्स के अंदर अच्छे से मसाज करना है। इस ऑयल को आपने हफ्ते में 3 दफ़ा यूज़ करना है। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसके अलावा एलोवेरा हमारी स्किन के लिए स्क्रब का काम भी करता है। आपने एलोवेरा किस तरह से 2 पीस काट के उसके ऊपर शुगर ऐड करें और अपनी स्किन के ऊपर इसका अच्छे से मसाज करें। ये डेड स्किन सेल्स को रिमूव करेगा, आपके चेहरे की खुश्की को ख़त्म करेगा। एलोवेरा जेल एक नेचुरल सनब्लॉक है जो कि आपको स्किन को सन डैमेज से बचाता है। रोज़ाना 2 दफ़ा अपनी स्किन के ऊपर आप इसको लगाएं। जब ये ड्राई हो जाए तो अपने फेस को वॉश कर लें। एक तहकीक के मुताबिक एलोवेरा जेल में 200 से ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन पाए जाते हैं जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसलिए मार्केट के अंदर आजकल जितनी भी स्किन की प्रोडक्ट्स आ रही हैं उसके अंदर एलोवेरा का इस्तेमाल किया जाता है। अगर मुख्तलिफ क्रीमों के इस्तेमाल से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तो आप रोज़ाना अपनी स्किन पे 2 दफ़ा एलोवेरा जेल लगाएं। ये आपकी डैमेज स्किन को रिपेयर करेगा, आपकी रंगत को भी निखारेगा। इसके अलावा अगर आपकी नोज़ के ऊपर ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स हैं, तो आपने क्या करना है कि एक आलू लेके उसको आपने कद्दूकश कर लेना है और उसके अंदर 1 चम्मच या थोड़ा ज़्यादा आपने एलोवेरा डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके बड़ा स्मूथ सा आपने इसका पेस्ट बना लेना है और अपनी नोज़ के ऊपर लगा के आप इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दें। जब ये बिल्कुल खुश्क हो जाए तो आपने इसको उतार लेना है। जो लोग अपनी आई लैशेज को लंबा और घना करना चाहते हैं, वो 1 चम्मच एलोवेरा के अंदर 1 चम्मच ही एलमंड ऑयल डाल के इसका पेस्ट बना के रात को सोने से पहले अपनी आई लैशेज पे लगाएं। इसके अलावा एलोवेरा जेल जो है ये फ्रीजी और कर्ली बालों के लिए स्ट्रेटनर का काम से काट के डायरेक्टली अपने बालों पर अप्लाई करें तो बाल बहुत स्मूथ, सिल्की और शाइनी हो जाएंगे। जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है या उनको ओपन पोर्स का इशू है, तो वो 1 चम्मच एलोवेरा जेल के अंदर 1 चम्मच चीनी और थोड़ा सा पानी ऐड करके अपने फेस पे इसको लगाएं कॉटन बॉल की मदद से। ये एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करेगा और ओपन पोर्स को भी श्रिंक करेगा। एलोवेरा जेल जो है ये बालों से खुश्की और सिकड़ी को ख़त्म करता है। ये बालों को स्मूथ, सिल्की और शाइनी बनाता है। इसके अलावा ये नेचुरल मेकअप रिमूवर भी है। अगर आप रोज़ाना की रूटीन में अपने फेस पे एलोवेरा जेल लगाते हैं, तो ये आपके फेस से एजिंग इफ़ेक्ट्स को ख़त्म करती है, डबल टोन स्किन को बैलेंस करती है। इसके अलावा ये फाइन लाइन, रिंकल्स और डार्क स्पॉट्स के लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। ये आपकी स्किन को बहुत स्मूथ और ग्लोइंग बनाती है। इसके अलावा अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली और पिंपल्स बनते हैं, तो आपने 2 चम्मच एलोवेरा जेल के अंदर 1 चम्मच हनी और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका पेस्ट बना लेना है और इनको अपनी स्किन के ऊपर, अपने पिंपल्स जो बने हैं उसके ऊपर लगाना है। एलोवेरा जेल जो है ये एक बहुत अच्छा स्किन टोनर भी है। इसको आप इजीली घर में बना सकते हैं। आप थोड़ा सा एलोवेरा जेल लेके उसमें रोज़ वाटर ऐड करें और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको बहुत अच्छे से इसको आप मिक्स करके किसी भी शावर बोतल में डालें और ये आपका एक नेचुरल होममेड स्किन टोनर रेडी है। इसको आप रोज़ाना अपने फेस पर अप्लाई करें। ये एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करेगा और आपको फ्रेश लुक देगा। मज़ीद अच्छी और इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।